हेलो एंड वेलकम बैक टू जैफ बाइट मेरा नाम जेवियर है और आप देख रहे हो मेरा चैनलैफ बाइट तो आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं एच पी इंक टैंक थ्री वन सिक्स की अनबॉक्सिंग जिसे मैंने टाटा क्लिक से कैश करो के थ्रू मंगाया था तो ये रहा इसका बॉक्स पैकिंग आप देख सकते हो इसका बेस्ट बाइंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हो तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं इस बॉक्स के अंदर प्रिंटर के अलावा और क्या क्या चीजें मौजूद हैं तो यहाँ पे वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लिया था कि वीडियो ज़्यादा ज़्यादा लेंदी ना हो जाए तो यहाँ पे कुछ पेपर वर्क आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल लैंग्वेजेस में पेपर वर्क दिए हुए हैं इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ और ये रहा इसका मेन यूनिट ये ब्लैक और रेड कलर में है और यहाँ पर आप देख सकते हो सेंटर में एच की ब्रांडिंग है और यहाँ पर स्टिकर दिया हुआ है स्टिकर सेलोटेप से ये सटा हुआ है तो यहाँ से मैं सोलर टेप को कट कर देता हूँ यहाँ पे पेपर पेपर वर्क के अलावे आपको देखने को मिलेंगे ब्लैक और एक ट्राई कलर कार्ट्रिज जो कि आपको रिफ़िल करने पड़ेंगे और यहाँ पे प्लस मुझे फोर कलर एक्स्ट्रा मिले हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हो ये है ट्राई कलर कार्ट्रिज जो कि है मेड इन मलेशिया और इसके साथ जैसे कि मैंने कहा था ये कुछ पेपर वर्क है कुछ वारंटी कार्ड है और इसको मैंने कैशक्रो के थ्रू टाटा क्लिक वेबसाइट से परचेज किया था और ये मेरे एक रिलेटिव का प्रिंटर है जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ बहुत सारे पेपर वर्क दिए हुए हैं यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी देखने को मिलेगा कि आप किस प्रकार प्रिंटर को सेटअप करते हो हालांकि मैं इस वीडियो में मैं आपको प्रिंटर की अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ केबल्स दिए हुए हैं और यहाँ पे चार कलर दिए हुए हैं ये पहला है ब्लैक कलर ये एच का ओरिजिनल इंक है और ये है आपका ब्लू या यहाँ पे के कलर दिया हुआ है ये है आपका पिंक या फिर मैजेंटा कह सकते हो और ये है येलो कलर और इसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और जैसा कि मैंने कहा था यहाँ पे एक ट्राई कलर देखने को मिलेगा और एक ब्लैक कलर का कार्टरेज है जिसमें इस इंक को फिल करना है और इसमें एक फिलिंग चैम्बर भी है जो मैं आपको प्रिंटर सेटअप के दौरान सेकंड वीडियो में दिखाऊंगा ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है तो चलिए इस वीडियो को सेट इस प्रिंटर को सेटअप करते हैं या ये ऑल इन वन प्रिंटर है इसमें आपको स्कैनिंग प्रिंटिंग और कॉपियर मशीन भी है यहाँ पे मैंने इसका टेप को कट कर दिया था यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिंटर का मॉडल एच पी इंक टैंक थ्री वन सिक्स और इसका एक एडवांस मॉडल भी आता है जो कि वायरलेस इनेबल्ड है ये विदाउट वायरलेस है इसको यहाँ पे आप प्लास्टिक हटाते हैं तो इसका चेंबर आपको कुछ इस तरह दिखाई देता है यहाँ से आपको इंक कार्ट्रिज को इंस्टॉल करना है चलिए इसके रियर साइड में मैं आपको दिखा देता हूँ इसको कैसे सेटअप करना है इसके रियर साइड में यहाँ पे देख सकते हो एक पावर पोर्ट दिया हुआ है यहाँ से मैं ऐसे पावर दे सकता हूँ और ये इसका एक प्रिंटर पोर्ट दिया हुआ है इस प्रिंटर पोर्ट का एक साइड प्रिंटर के रियर बैक साइड में लगेगा और एक साइड आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में लगेगा यूएसबी पोर्ट में तो यहाँ से मैं ऐसा सेटअप कर लेता हूँ दोनों केबल कनेक्शन को जोड़कर तो यहाँ पे मैंने दोनों केबल कनेक्शन को जोड़ दिया है और इसका एक पार्ट मैं पीसी में कनेक्ट कर देता हूँ उसके बाद इस मशीन को ऑन करके दिखा देता हूँ तो यहाँ पे ये देख सकते हैं प्रिंटर का पीछे का साइड है इसको जैसे पुल करेंगे और थोड़ा सा बेंड करेंगे तो ये वापस नीचे हो जाएगा यहाँ से आप पेपर इंसर्ट कर सकते हो प्रिंटिंग के लिए और जब इसे बंद करोगे तो ये यहाँ से पीछे से लिड क्लोज हो जाएगा फिर आप इसे उठा के थोड़ा सा दाहिने तरफ बेंड करोगे तो यहाँ से आपका प्रिंटिंग के लिए ये काम करने लगेगा यहाँ पे आप देख सकते हो उसका फिज़िकल बटन यहाँ छोटा सा एक डिस्प्ले दिया हुआ है साथ ही साथ यहाँ पे कुछ एक दो तीन चार चार बटन दिए हुए हैं जहाँ से आप प्रिंटिंग कमांड को दे सकते हो प्रिंट करने के लिए यहाँ से मैं इसे पावर ऑन कर लेता हूँ हालांकि मैंने इसके सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल नहीं किया है इंस्टॉलेशन प्रोसेस मैं वीडियो के सेकंड पार्ट में दूंगा ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं चार इंक चेम्बर दिए हुए हैं यहाँ पे आपको चार तरह कलर, black, magenta, के कलर ब्लैक मेजेंटा के और एक येलो कलर का लिक्विड इंक देखने को मिलेगा यहाँ पे इस तरह से इसे ओपन किया जाता है ओपन करने के साथ इसको कैसे हम प्रिंटर के इंक को डालेंगे मैं इसको सेकंड पार्ट में आपको जरूर दिखाऊंगा तो डोंट मिस द सेकंड पार्ट तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और इंतज़ार कीजिएगा इसके सेकंड पार्ट में जै मैं इसमें थ्री वन सिक्स प्रिंटर का सेटअप करूंगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स फॉर वॉचिंग